Hello, my dear students. This is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. In this video, we will discuss previous year questions based on the topic SQL commands of Unit 3, that is Database Management System. As you know, आपने blueprint भी देखा होगा. Plus, you might have analyzed the paper pattern or marking scheme of last year. इसमें से आपका एक long question भी आता है, that is of 4 marks, right? तो 4 मार्क्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स दिस वीडियो इज गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड एट द सेम टाइम वेरी इंफॉर्मेटिव टू राइट सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल नॉट सब्सक्राइब येट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन एट द अर्लीस्ट एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो Do press the like button and share your views in the comment section. So now, without wasting our time, let's start our today's video. So now, let's start with our very first question, that is, write the query to create a table with the following structure. एंड टेबल नेम आपको गिवन है दैट इज प्रोडक्ट राइट आपका जो क्वेश्चन आएगा बच्चों या तो आपको टेबल गिवन होगी आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू राइट द क्वेरी ऑफ एसक्यूएल राइट प्लस आपका किस टाइप का क्वेश्चन आता है यू हैव टू क्रिएट अ टेबल आपको उसके अकॉर्डिंग कुछ जो भी आपके डेटा टाइप होंगे कॉलम के नेम्स होंगे स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी गिवन टू यू बेस्ड अपॉन दैट स्ट्रक्चर यू हैव टू क्रिएट अ टेबल एंड इट्स वेरी सिंपल आपका जो सिंटेक्स है टेबल क्रिएट करने का दैट इज क्रिएट टेबल दिस विल बी सेम हियर यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द टेबल आपको मोस्टली टेबल का नेम जो है वो क्वेश्चन में गिवन होगा यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट टेबल देन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर कॉलम के नेम्स लिखने हैं कॉलम नेम्स एंड देन देयर डेटा टाइप ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन इन केस तो आपको जो कॉलम का नेम है उसको मीन्स एक तरीके से देखकर एनालाइज करके आपको देखना है कि आपकी उस कॉलम में कौन सी डेटा टाइप यूज होगी राइट उसके बाद आपने इसी तरीके से सारे कॉलम के नेम्स और डेटा टाइप लिखनी है एट देन यू हैव टू क्लोज दिस ब्रैकेट एंड पुट सेमीकॉलन इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में जनरली आते हैं बच्चों 2 मार्क्स के ठीक है 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 2-2 में भी डिवाइड हो सकता है प्लस एक सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है आपका 4 मार्क्स का या फिर ये अलग से आपका 2 मार्क्स में भी आ सकता है राइट सो नाउ सी दिस राइट द क्वेरी टू क्रिएट अ टेबल टेबल का नेम क्या गिवन है प्रोडक्ट सो हियर यू हैव टू राइट क्रिएट टेबल एंड द नेम ऑफ टेबल इज प्रोडक्ट दिस वन राइट सो देन यू हैव टू स्टार्ट दिस ब्रैकेट अब यहाँ पर ये चीज देखो फील्ड एंड डेटा टाइप अब काफी स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं इस फील्ड को कॉलम का नेम ले लेते हैं कि मींस व्हाट दे यूज टू डू कि यहाँ पर लिख देंगे फील्ड और उसकी कोई डेटा टाइप लिख देंगे नो दिस फील्ड इज नॉट द नेम ऑफ योर कॉलम यहाँ पर सिर्फ ये स्पेसिफाई कर रहा है कि दीज आर योर वेरियस फील्ड एंड दीज आर देयर डेटा टाइप्स एंड फर्स्ट फील्ड इज PID दैट मीन्स प्रोडक्ट ID यहाँ पर हमने लिख दिया प्रोडक्ट ID और डेटा टाइप क्या मेंशन है क्या मीन्स कैरेक्टर टाइप का है मैक्सिमम 4 कैरेक्टर्स इट कैन स्टोर तो हियर वी हैव टू राइट 4 ऐसे हम नेक्स्ट देखेंगे पी नेम डेटा टाइप गिवन है वारकेट 20 यहाँ पर लिख देंगे और इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने नेक्स्ट लाइन में ही लिखना है यू कैन कंटिन्यू इन द सेम लाइन आल्सो राइट बट टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडेबिलिटी और रीडेबिलिटी आई हैव रिटन इट इन द नेक्स्ट लाइन उसके बाद है बच्चों डिस्क्रिप्शन वारकेट 40 सेम एंड देन प्राइस डेटा टाइप इज डेसिमल तो यहाँ पर प्राइस डेटा टाइप इज डेसिमल नाउ नोट दिस थिंग बच्चों जो आपका कोमा है हर एक उसके बाद है बच्चों कॉलम के बाद राइट लास्ट वाले के आगे नहीं आएगा बिकॉज दिस इज माय लास्ट कॉलम एट द एंड यू हैव टू क्लोज दिस ब्रैकेट एंड देन ऐड सेमीकॉलन राइट नाउ सी दिस टेबल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग टेबल एम्प्लॉय अब अगर इसको हम ध्यान से देखें EMP नंबर दिस इज द नेम ऑफ माई फर्स्ट कॉलम एम्प्लॉई नेम एंड देन डेजिग्नेशन फर्स्ट पार्ट है इसका विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड कैन बी सेलेक्टेड एज अ प्राइमरी की अब उसके लिए मुझे पहले ये पता होना चाहिए प्राइमरी की क्या होती है
तो प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड इन अ टेबल. और व्हाट डज दिस मीन कि प्राइमरी की आपकी वो कॉलम होगा, उस कॉलम को हम सेट करेंगे एज अ प्राइमरी की, जो मेरा हर एक रिकॉर्ड के लिए क्या होगा, यूनिक होगा. फॉर एग्जाम्पल योर स्टूडेंट आई डी, योर एडमिशन नंबर, योर रोल नंबर, राइट. तो वो हमारी क्या होती है, प्राइमरी कीज, जो हर एक का यूनिक होगा. अब आपको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, फील्ड मीन्स कॉलम नेम, कैन बी सेलेक्टेड एज अ प्राइमरी की. अब एज यू कैन सी हियर, आई एम हैविंग थ्री कॉलम्स, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम एंड डेजिग्नेशन. वी कैन सेट दिस कॉलम ई एम पी नंबर एज अ प्राइमरी की. एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय आई डी, दिस विल बी डिफरेंट फॉर ऑल द एम्प्लॉयज, तो वी कैन इजिली सेट दिस कॉलम एज अ प्राइमरी की. एम्प्लॉय के नेम्स रिपीट हो सकते हैं, उनका डेजिग्नेशन भी रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ए बी ए, लाइक दिस, ठीक है. तो विच कॉलम विल बी सुटेबल, एम्प्लॉय नंबर. नाउ रीड दिस सेकेंड क्वेश्चन वेरी केयरफुली. ई एम पी नेम फील्ड, दिस फील्ड, इसकी बात हो रही है, has unique values for all the records. अब आप यहाँ पर चेक करो, सारी वैल्यूज यूनिक है, साहिल, अनुप, मानसी एंड पूजा. कैन इट बी मेड प्राइमरी की, गिव आंसर विद रीजन. क्या हम इस एम्प्लॉय नेम के कॉलम को भी प्राइमरी की बना सकते हैं, अगर हम ई एम पी नंबर कंसिडर ना करें तो? यू हैव टू राइट द आंसर अलॉन्ग विद योर एक्सप्लेनेशन, राइट. नाउ थिंक ऑफ दिस बच्चो, ई एम पी नेम को वी कांट मेक अ प्राइमरी की, रीजन बींग दैट एट प्रेजेंट तो हमारे पास एम्प्लॉयज नेम रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है. बट इन फ्यूचर इट मे बी पॉसिबल, कोई न्यू एम्प्लॉय आ जाए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका नेम मैच कर जाए, राइट. सो दिस इज नॉट द फिजिबल सॉल्यूशन. नाउ सी दिस, वी हैव डन ई एम पी नंबर फर्स्ट पार्ट में, हमने देखा कैन बी सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की. सेकेंड का रीजन देखो, ई एम पी नेम इज हैविंग यूनिक वैल्यूज, बट देर इज नो गारंटी दैट इफ मोर एम्प्लॉयज आर इंक्लूडेड देन देर विल नॉट बी मल्टीपल पीपल विद सिमिलर नेम्स. सो इन फ्यूचर इट्स वैल्यू मे गेट डुप्लीकेट, दस इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड और इट कैन नॉट बी मेड एज अ प्राइमरी की. और एक टेबल में मेरे पास एक ही प्राइमरी की होगी, राइट. नाउ से दिस क्वेश्चन, ये भी आपका 2 मार्क्स में आ जाता है. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल के कमांड्स वाले क्वेश्चन. कैटेगराइज द फॉलोइंग कमांड्स एज डीडीएल एंड डीएमएल. डीडीएल स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. अब नाउ हियर सी दिस, 4 कमांड्स आर गिवन टू यू, सेलेक्ट, ऑल्टर, इंसर्ट एंड ड्रॉप. यू हैव टू कैटेगराइज दीज कमांड्स, विच आर योर डीडीएल कमांड्स एंड विच वंस आर योर डीएमएल कमांड्स. अब मुझे पता है डीडीएल कमांड्स कौन सी होंगी जो मेरे टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट करेंगी, वेरियस डीएमएल कमांड्स जो मेरे टेबल की वैल्यूज पर इफेक्ट करेंगी. नाउ फर्स्ट वन इज योर सेलेक्ट कमांड. अब सेलेक्ट कमांड से हम सिर्फ रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करते हैं, अपने डेटा को फेच करते हैं. माई टेबल स्ट्रक्चर इज नॉट इफेक्टिंग, सो दैट मीन्स सेलेक्ट इज माई डीएमएल कमांड. नेक्स्ट ऑल्टर. ऑल्टर कमांड इज यूज टू आइदर एड अ कॉलम फ्रॉम अ टेबल और डिलीट अ कॉलम फ्रॉम अ टेबल. तो दैट मीन्स इट इज इफेक्टिंग माई स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल. और अगर टेबल का स्ट्रक्चर इफेक्ट हो रहा है तो दैट मीन्स दिस इज योर डीडीएल कमांड. ऑल्टर इज योर डीडीएल कमांड. Next is insert. Insert command is used to insert the record in a table. Row insert करते हैं. अब obviously it is not affecting the structure of my table. So insert is my DML command. Last one is drop. Drop command is used to delete the table from a database. Complete table delete हो रही है. So उसका structure भी delete हो रहा है, वो effect भी हो रहा है. So that means drop is your DDL command. Right? I have made a separate video also. इसमें आपके सारे SQL commands के syntax, examples सब practically explain कर रखे हैं. If you have not watched that video, I suggest you to visit my channel and check the playlist. वहाँ पर आपको सारे के सारे जो आपके chapters हैं, units हैं, वो सारे video sequence में available हैं. Do watch that. Now see this question. Create the following table items. अब ये भी हमने इसी टाइप का किया है. कॉलम का नेम गिवन है, डेटा टाइप का डेटा टाइप गिवन है, कंस्ट्रेंट भी गिवन है यहाँ पर, राइट. नाउ सी दिस आइटम नंबर. अब आपने क्या लिखना है, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम क्या गिवन है, आइटम्स. सो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ टेबल एज आइटम्स. अब नाउ सी दिस फर्स्ट लाइन, इसमें आपका स्ट्रक्चर क्या गिवन है, कॉलम नेम इज आइटम नंबर, डेटा टाइप इंटीजर एंड प्राइमरी की सेट करना है, राइट. So, item number, integer and then primary key. Done.
फिर कोमा लगा देंगे. नाउ सी द सेकेंड आइटम नेम वेयर कैन एंड देन यहाँ पर साइज क्या आएगा बेटा 15. ये थोड़ा सा इसको हमने यहाँ शिफ्ट करना है. लेट मी करेक्ट दिस. यहाँ पर साइज हो गया, साइज इसका नहीं है, कंस्ट्रेंट है प्राइमरी की. बाकी वैल्यूज यहाँ पर आएंगे बेटा 15, 10, 2 एंड देन 3, राइट. ये वैल्यूज यहाँ पर नहीं आएंगे. अब उसके बाद वेयर केयर साइज कितना गिवन है 15. नाउ सी द नेक्स्ट रो, प्राइस, कॉलम का नेम, डेटा टाइप न्यूमेरिक एंड साइज क्या है 10, 2, राइट. देन क्वांटिटी, लास्ट वन डेटा टाइप इंटीजर एंड देन साइज 3. ये एज इट इज हमने यहाँ पर एवरीथिंग इज अवेलेबल. कॉलम नेम इज गिवन टू यू, डेटा टाइप इज गिवन टू यू, साइज इज गिवन टू यू और साथ में कंस्ट्रेंट भी गिवन है, दैट इज प्राइमरी की. तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, वैल्यूज अपने सिंटेक्स में सब्स्टिट्यूट करनी है, राइट. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर नाउ. नाउ सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. कंसीडर द फॉलोइंग टेबल आइटम एंड राइट द क्वेरीज फ्रॉम द फर्स्ट टू थर्ड पार्ट. अब यहाँ पर टेबल गिवन है, टेबल नेम इज आइटम, उसके बाद आइटम नंबर, आइटम नेम, प्राइस एंड देन क्वांटिटी. अब ये वैल्यूज आपको गिवन है, बेस्ड अपॉन दिस हमने क्या करना है, 4 क्वेरीज लिखनी है एसक्यूएल की, राइट. अब आपको ताकि सब कुछ एकदम से क्लियर हो जाए, आई हैव क्रिएटेड दिस टेबल इन ओपन ऑफिस बेस सो दैट आई कैन शो यू दिस प्रैक्टिकली ऑल्सो. सो नाउ लेट्स ओपन ओपन ऑफिस बेस एंड द टेबल नेम इज आइटम, राइट. सो एज यू कैन सी ओपन ऑफिस बेस ओपन हो गया है. दिस इज द टेबल विद नेम आइटम एंड दिस इज द रिकॉर्ड. आई हैव पुट सेम रिकॉर्ड, सेम वैल्यूज जो आपके क्वेश्चन में गिवन है वही सारी आई हैव रिटन. नाउ सी द वेरी फर्स्ट पार्ट, राइट अ कमांड टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड विद द फॉलोइंग वैल्यूज. आपको एक रिकॉर्ड मीन्स एक रो इंसर्ट करना है. फॉर दैट आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सी कमांड यूज होगी. यस, वेरी गुड, इंसर्ट कमांड प्लस उसका साथ में सिंटेक्स भी ध्यान होना चाहिए, राइट. और इंसर्ट कमांड का सिंटेक्स है इंसर्ट इनटू टेबल नेम दैट इज आइटम एंड देन वैल्यूज. फिर आपने ये वैल्यूज लिखनी है, राइट. नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रैक्टिकली. इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है. यहाँ से हम जाएंगे टूल्स एंड देन एसक्यूएल, राइट. अब यहाँ पर हमने क्वेरी लिखनी है इंसर्ट इनटू टेबल नेम इज आइटम एंड देन वैल्यूज. अब उसके बाद मुझे वैल्यूज लिखनी है, राइट. अब वैल्यूज देखो क्या क्या है, 66, जेल 150, 70, राइट. आई होप इट्स विजिबल. 66, जेल 150 एंड देन 70. सो यहीं पर हम लिख देंगे 66, जेल, सॉरी एल, देन 150 एंड देन 70, राइट. दिस इज द सिंटेक्स. हमने आइटम टेबल में ये एक रो इंसर्ट करनी है. आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एग्जीक्यूट बटन. तो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड. अब आपकी जो कमांड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है, राइट. अब आपने उसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ से कैंसिल कर देना है, क्लोज. अब नाउ लेट्स ओपन दिस टेबल आइटम. तो अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो बच्चों कि आपका जो ये लास्ट रिकॉर्ड है, राइट, जिसमें आइटम नंबर 66 है, आइटम नेम जेल, प्राइस 150 एंड क्वांटिटी 70, इट्स गेट्स इंसर्टेड नाउ, राइट. सो ये हमारा फर्स्ट जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड पार्ट, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स. अब डिस्प्ले कराना तो दैट मीन्स सेलेक्ट कमांड विल गेट यूज. राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल आइटम हुज प्राइस इज इन द रेंज ऑफ 100 एंड 300. ये मेरा प्राइस का कॉलम है, मुझे इसमें से कंप्लीट रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराने में सारे इंफॉर्मेशन और कंडीशन क्या है, जिसका जो प्राइस है किसकी रेंज में होगा, बिटवीन 100 एंड 300. तो दैट मींस 100 एंड 300 अगर होता तो वो भी इंक्लूड करते हैं, राइट. अब लेट्स एग्जीक्यूट दिस. और एज यू नो जो सेलेक्ट कमांड है वो हमने टूल्स में जाकर के एग्जीक्यूट नहीं करनी है, ठीक है. हमने कहाँ करनी है उसको एग्जीक्यूट, सिंपल आप क्वेरी पर जाओगे, क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू. Here we have to write, right? Select star from table name is item where price between 100 and 300. This is the syntax, right? सबसे पहले select command will get used.
देन स्टार मीन्स ये आपके सारे कॉलम की वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी उस टेबल में, जितने कॉलम्स हैं, आइटम नंबर भी आएगा, आइटम नेम भी, प्राइस भी एंड क्वांटिटी भी। वेयर कंडीशन क्या है बच्चों, प्राइस। सो वेयर प्राइस बिटवीन 100 एंड 300, ये रेंज आपको गिवन है, राइट। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एग्जीक्यूट क्वेरी बटन, मीन्स रन द क्वेरी, एंड द शॉर्टकट इज F5। सो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यू विल गेट योर रिजल्ट। एज यू कैन सी प्राइस कॉलम को चेक करो, सो आपके पास वही वैल्यूज आ रही है जिसका जो प्राइस है किस रेंज में, 100 एंड 300। इफ इन केस अगर क्वेश्चन में गिवन होता कि मुझे सिर्फ आइटम नेम ही डिस्प्ले कराने, उसके कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं कराने, तो उसके लिए हम क्या चेंज करते, यहाँ पर सिर्फ लिख देते सेलेक्ट आई नेम, सिर्फ ये चेंज करना पड़ता, देन एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। सो आपके पास सिर्फ क्या आ जाएंगे, उसके आइटम नेम्स, ठीक है। इसको मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया बच्चों कि आपके जो SQL कमांड्स हैं, मीन सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, दैट यू कैन एग्जीक्यूट फ्रॉम द क्वेरी विंडो, जो आपका क्वेरी में है, यूज क्वेरी इन SQL व्यू, वहां से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट जो आपके बाकी कमांड्स है जिसमें आपकी वैल्यूज पर इफेक्ट रहेगा, लाइक क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारी कमांड्स आपने टूल्स में जाकर के SQL ऑप्शन में जाकर के एग्जीक्यूट करनी है, राइट। आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दिस कमांड्स इन माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो। If you have not watched that, I request you, I advise you, I suggest you to please watch that video also, right? Now next part, write a query to display all the records, सारे records display कराने हैं, of a table in descending order of quantity. अब कौन से select command के साथ क्या use करेंगे? Order by. किस में arrange करना है? Descending order में. According to their quantity. अब यहाँ पर quantity check करो, mixed values आ रही है 80, 30, 25, 100, 50. मुझे इस column को arrange करना है कि मेरे जो values है वो किस order में हो, descending order में, right? So now let's execute this. अब check करो सारे records display कराने हैं, तो what I have to write? Select star, right? सारे records display कराने हैं. From table name, that is item, select star from item, राइट। देन ऑर्डर बाय किस कॉलम के अकॉर्डिंग अरेंज करने है, क्वांटिटी। सो हियर यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट कॉलम। अगर यहां पर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं लिखूंगी तो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर विल बी असेंडिंग ऑर्डर, सो आई हैव टू स्पेसिफाई DESC। नाउ एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। तो एज यू कैन सी जो हमारा क्वांटिटी कॉलम है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है, उसी के अकॉर्डिंग मेरी बाकी वैल्यूज भी अरेंज हो गई है, राइट। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। This is the solution for this. Insert command हमने apply कर लिए। जो second part है बच्चों वो देखो एक बारी, जो आपने range में display कराना है, we have used between operator. You can do like this also. Select star from table name where price greater than equals to 100 and price less than equals to 300. यहाँ पर आपने and की जगह पर और नहीं लिखना, और यहाँ पर column का name भी दोबारा आएगा, ठीक है। So which one is वेरी इजी, मीन्स जो आपको काफी इजी लगे, जिसमें आप मिस्टेक ना करो, यू कैन ऑप्ट दैट मेथड, राइट। नाउ सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग वेंडर टेबल एंड राइट द क्वेरीज। अब टेबल नेम गिवन है आपको, वेंडर, वेंडर आईडी, नेम, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड देन लोकेशन। फर्स्ट आपकी कमांड है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स। अब सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराने हैं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टार From table name is vendor, right? Done. Next, देखो second one. Write a query to add new row with the following details: V005 Vadelal and this date and then Pune. ठीक है? So आपको simple क्या करना है? Insert into table name given है vendor values, ये records लिखने हैं, ठीक है? कुछ आपके जो ओपन ऑफिस बेस है डबल कोट सपोर्ट नहीं करते हैं, तो यू हैव टू राइट द वैल्यूज इन द सिंगल कोट्स। नाउ सी दिस थर्ड क्वेरी, राइट अ क्वेरी टू मॉडिफाई द लोकेशन। अब मॉडिफाई वर्ड आ गया बच्चा, मॉडिफाई मींस वैल्यूज को अपडेट करना, तो माई अपडेट कमांड विल गेट यूज। मॉडिफाई द लोकेशन ऑफ V003 फ्रॉम कोलकाता टू गुजरात। अब अगर मैं V003 यहां से चेक करूं बच्चों, इसमें लोकेशन क्या है, कोलकाता, मुझे इसको चेंज करना है, और चेंज करके क्या करनी है, न्यू लोकेशन गुजरात, राइट।
अब अपडेट कमांड का सिंटेक्स पता होना चाहिए, अपडेट टेबल नेम सेट कीवर्ड आएगा बच्चों, राइट। सेट जिस कॉलम में चेंज करना हो, क्या चेंज करनी है, लोकेशन, उस कॉलम का नेम चेक करोगे, कॉलम नेम इज लोकेशन इक्वल्स टू वो वैल्यू लिखोगे जो आपने सेट करनी है, क्या सेट करनी है, कोलकाता टू गुजरात, तो दैट मीन्स यू हैव टू राइट सेट लोकेशन इक्वल्स टू गुजरात। फिर कंडीशन लगाओगे कि कहाँ पर, अब कोलकाता हो तो हो सकता है काफी जगहों पर हो, यहाँ पर तो चलो सपोज एक ही जगह पर है, ठीक है, बट हो सकता है मैं न्यू रिकॉर्ड्स ऐड करूँ, एक से ज्यादा बार लोकेशन भी कोलकाता आ रही हो, तो मुझे किसका करना, जहां पर वेंडर आईडी क्या है, V003 यूनिक वैल्यू चेक करनी है बच्चों, राइट। सो हियर यू हैव टू राइट द कंडीशन वेयर वेंडर आईडी इक्वल्स टू V003, राइट। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द SQL कमांड्स टू आंसर द क्वेरीज बेस्ड ऑन द टेबल फैब्रिक। अब फैब्रिक आईडी गिवन है, फैब्रिक नेम गिवन है, टाइप गिवन है, डिस्क भी गिवन है, राइट। टू इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड मुझे इंसर्ट कराना है, दिस टेबल ऑल्सो आई हैव क्रिएटेड इन ओपन ऑफिस बेस, टेबल नेम इज बच्चों फैब्रिक, इसको सेव करना है, लेट्स सेव दिस, लेट्स डिस्कार्ड दिस, राइट। चलो टेबल में गए, फैब्रिक टेबल ओपन करेंगे, दिस इज द टेबल, राइट। अब इंसर्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, आई हैव टू क्लिक ऑन टूल्स मेन्यू एंड देन SQL, सो हियर आई हैव टू राइट इंसर्ट इनटू, टेबल नेम इज फैब्रिक वैल्यूज, अब वैल्यूज आई हैव टू चेक कि मुझे कौन सी वैल्यूज इंसर्ट करनी है, सी हियर F005 फैब्रिक नेम कुर्ता, फैब्रिक टाइप वूलन एंड डिस्क इज 5, सो दैट मीन्स F005 कुर्ता वॉल्यूम एंड देन 5, F005 देन कुर्ता, यू हैव टू राइट इट विद इन कोट्स एंड देन वूलन एंड देन डिस्क इज 5, आई थिंक दीज आर द वैल्यूज, लेट मी चेक इट अगेन, राइट, यस। सो आफ्टर दिस यू हैव टू क्लिक ऑन एग्जीक्यूट बटन, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, दैट मीन्स अब जो आपका लास्ट में है F0, बाई मिस्टेक आई थिंक आई हैव प्रेस्ड F005, इसको आपने सिंगल F वो लिखना है बच्चों, F005, राइट। उसके बाद फैब्रिक नेम कुर्ता, फैब्रिक टाइप वूलन एंड देन डिस्क 5, तो दिस रो गेट्स इंसर्टेड नाउ, राइट। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, टू डिस्प्ले ओनली दोज फैब्रिक हुज डिस्क इज मोर देन 10, यहाँ पर आपको डिस्क की वैल्यूज गिवन है, राइट। अब आपने क्या करना है, फैब्रिक की डिटेल्स डिस्प्ले करानी है, डिस्क इज मोर देन 10, अब सेलेक्ट कमांड है, तो सेलेक्ट कमांड यहाँ क्वेरी पर जाकर, क्रिएट क्वेरी इन SQL व्यू, so here you have to write select star from fabric where disk more than 10, that means greater than 10 semicolon, and then from here you have to execute your query. So मेरे पास एक ही रिकॉर्ड है जहां पर डिस्क की वैल्यू क्या है, greater than 10, तो वहां पर मेरे पास वो रिकॉर्ड क्या हो गए, डिस्प्ले हो गए। अगर आपने टेबल में चेक करना, you can check it out here also, यहाँ पर 20 गिवन है, सिर्फ 10 से ज्यादा, 10 को हमने इंक्लूड नहीं करना, डिस्क इज मोर देन 10 मींस 10 से ज्यादा, राइट। नाउ सी द थर्ड पार्ट, टू डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड हुज टाइप इज वूलन, मींस कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है, बट सिर्फ किसके डिटेल डिस्प्ले करानी है, हुज टाइप इज वूलन, दैट मीन्स दिस रिकॉर्ड ओनली, वी आर हैविंग ओनली वन रिकॉर्ड, राइट, प्लस एज वी हैव इंसर्टेड दिस रिकॉर्ड ऑल्सो, तो हमारे पास दो रिकॉर्ड्स आंसर में आने चाहिए, राइट, जिसकी जो आपके टाइप है वो क्या हो, वूलन। सो यू हैव टू राइट द क्वेरी फॉर दैट, सो अब सेलेक्ट क्वेरी है तो हम यहीं पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैब्रिक वेयर, सिर्फ ये चेंज होगा बच्चों, टाइप इक्वल्स टू वूलन, विद इन कोट्स लिखेंगे, सेमीकॉलन, एंड देन यू हैव टू क्लिक हियर रन क्वेरी, तो एज यू कैन सी जिसका टाइप क्या है बच्चों, वूलन, वो रिकॉर्ड यहाँ पर मेरे पास डिस्प्ले हो गए हैं। नाउ लेट सी द नेक्स्ट पार्ट, टू मॉडिफाई द फैब्रिक शर्ट, अब मॉडिफाई मींस व्हिच कमांड विल बी यूज्ड, अपडेट कमांड, राइट, अपडेट कमांड अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस की है,
ये आपके इम्पोर्टेंट है बेटा, सेलेक्ट फ्रॉम विद वेयर, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट इवन ऑल्सो टू मॉडिफाई द फेब्रिक शर्ट. अब यहाँ पर फेब्रिक में आप चेक करो बच्चों कहाँ पर शर्ट आ रहा है, राइट. वन इज हेयर टू मॉडिफाई द फेब्रिक शर्ट बाय इंक्रीजिंग डिस्काउंट बाय 10. आपने उसमें 10 का डिस्काउंट एड करना है, राइट, मॉडिफाई द फेब्रिक शर्ट. अब नाउ सी हियर, ये जो DISC आपको कॉलम का नेम है दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर डिस्काउंट. तो अपडेट टेबल नेम इज फेब्रिक सेट. अब क्या मॉडिफाई करना है, डिस्काउंट कितना इंक्रीज करना है बाय 10. सो डिस्काउंट इक्वल्स टू डिस्काउंट प्लस 10. कहां पर चेंज करना है, कंडीशन क्या है, वेयर फैब्रिक शर्ट. अब फैब्रिक के कॉलम का नेम चेक करेंगे दैट इज एफ नेम. सो वेयर एफ नेम इक्वल्स टू शर्ट, राइट. लेट्स डू दिस प्रैक्टिकली सो दैट आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए. टू मॉडिफाई द फैब्रिक दैट मीन्स अपडेट कमांड विल गेट यूज. तो अपडेट मेरी यहाँ एग्जीक्यूट नहीं होगी. आई हैव टू ओपन दिस टूल्स एंड देन SQL, राइट. सो हियर आई हैव टू राइट अपडेट टेबल नेम इज फैब्रिक. Now I have to write set keyword. अब क्या चेंज करना है that I have to check. To modify the fabric shirt, ये तो condition में आ जाएगा, by increasing discount by 10. Increasing discount, that means जो आपका discount है मुझे वो increase करना है. उस column का name क्या है, DISC equals to DISC plus 10. कितने से increase करना है, 10 से. Where F name equals to shirt. यहाँ पर क्या कंडीशन है, जहां पर एफ नेम क्या होगा शर्ट, वो आपने रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है, राइट. सो अब यहाँ पर चेक करते हैं एग्जीक्यूट करने से पहले कि मेरे को फैब्रिक शर्ट में यहाँ पर क्या गिवन है वैल्यू डिस्काउंट में 10. तो अब जब मैं 10 प्लस करूंगी तो क्या हो जानी चाहिए वैल्यू 20, राइट. सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एग्जीक्यूट बटन. कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड. इसको क्लोज करेंगे. अब टेबल्स में जाके लेट्स चेक इट आउट. तो यहाँ पर F001 जो फैब्रिक नेम क्या है बच्चों, शर्ट, उसकी डिस्काउंट की वैल्यू क्या हो गई है 20, राइट. सो दैट मींस जो हमारा रिकॉर्ड है दैट गेट्स अपडेटेड नाउ, वो वैल्यू मॉडिफाई हो गई. नाउ सी द लास्ट पार्ट, टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ फैब्रिक F003 फ्रॉम द टेबल. अब डिलीट करने के लिए मेरे पास क्या कमांड रहती है बच्चों, डिलीट फ्रॉम, हियर यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द टेबल. डिलीट फ्रॉम टेबल नेम एंड देन वेयर में आपको क्या लिखनी होती है, कंडीशन जो आपको डिलीट स्पेसिफाई करनी कि आपको रिकॉर्ड डिलीट करना. सो हमें क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा, डिलीट फ्रॉम फैब्रिक वेयर, कंडीशन क्या लिखेंगे, किसका रिकॉर्ड डिलीट करना, फैब्रिक F003. सो दैट मीन्स वेयर कॉलम का नेम चेक करेंगे बेटा, फैब्रिक ID. सो वेयर फैब्रिक ID इक्वल्स टू F003, राइट. Now let's execute this. अब delete command है तो हमें किस पर जाना पड़ेगा बच्चों, tools menu and then SQL, right? So here you have to specify delete from fabric where fabric ID equals to F003, right? Semicolon and then you have to click on this execute command. कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड. इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे. लेट्स चेक इट आउट नाउ. ओपन दिस टेबल फैब्रिक. तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जो हमारा F003 रिकॉर्ड था इन बिटवीन दिस, दैट गेट्स डिलीटेड नाउ. सो दैट मीन्स अब मेरा वो जो रो था, वो रिकॉर्ड था कम्प्लीट, वो क्या हो गया आपका, डिलीट हो गया, राइट. यहाँ पर सोल्यूशन है इसी क्वेश्चन के, जो हमने अभी सारे के सारे आपको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करा करके दिखाए हैं. सो आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे. इफ स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. इफ यू लाइक माय वीडियो, डू प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द अपडेट्स ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस. एंड प्लीज डू शेयर दिस चैनल विद अदर्स ऑल्सो, सो दैट बाकी स्टूडेंट्स को भी इतना बेनिफिट मिले जितना आपको मिला. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग.